फिर मैंने सोचती रही कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर नहीं की है। ये देखिए जो गोश्त गल के तैयार हुआ है कितना अच्छा इसका कलर आया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मिल रही हूँ आप लोगों से बहुत दिनों बाद। एक्चुअली बीच में नहीं हो पा रहा था, मेरे से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे काम थे, तो मैंने सोचा चलो आज से शुरू करते हैं। तो बस अभी मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ और अब मैं लिफ्ट में हूँ, मैं जा रही हूँ घर। घर जाकर मुझे लगी बहुत तेज़ भूख और मैंने बनाया आज आलू के पराठे, तो बस अभी वो खाऊंगी, चाय वाय पीऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ आराम से। तो यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं घर और एज़ यूजुअल मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है और साथ में बन रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे और इसको मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। आजकल क्या हो रहा है ना, रोज़ नॉनवेज बन रहा है और मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ मैं रोज़ क्या शेयर करूँ। मैंने सब कुछ तो आपके साथ शेयर कर ही लिया है, नॉनवेज का आइटम मतलब मटन का आइटम, मटन करी, मटन कोरमा, मटन ड्राई। तो फिर मुझे मैंने सोचती रही कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर नहीं की है मैंने, उसका नाम है ढाबा स्टाइल मटन। तो बस आज मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल मटन शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफरीन और आप लोग हैं मेरे चैनल पे चेंजिंग सीजन्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल मटन, तो चलिए रेडी हो जाए। तो ढाबा स्टाइल का मतलब है प्याज, तो यहाँ पे हम लोगों को प्याज बहुत सारी यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो प्याज ली है वो मैंने ले ली है 4 बड़ी साइज़ की प्याज और इनको मैं काट लूँगी, ठीक है। तो पहले इसको काट लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अब डालेंगे तेल। तेल और घी मैं मिक्स करके डालूँगी क्योंकि उसी से मज़ा आएगा आप लोगों को, घी का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और मैं डालूँगी घी। यहाँ पर मैंने डाला है 2 टीस्पून घी बस। और अब इसको गर्म होने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़े से काली मिर्च, एक मोटी इलायची और 2 लौंग और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, वो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ उसके बाद प्याज। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च कुटी हुई। जैसे ही हमारा प्याज साइड बाय साइड बन रहा है मतलब फ्राई हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे इसका मेन जो ढाबा मटन ढाबा का मसाला है वो हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसकी सीटी लगा देंगे और फिर हम लोग अपना आराम से तैयार करेंगे, नहीं, साइड बाय साइड हम लोग दोनों काम करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। मीन वाइज मसाला मैं बाद में तैयार करूँगी, मीन वाइज मैं क्या करने वाली हूँ अपने मटन को मैरिनेट करना है, तो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है मटन को मैरिनेट करना। बाकी मैंने ये तेज़ करके फ्लेम को प्याज फ्राई करने रख दिया है। बीच बीच में आप प्याज भी देखते रहिएगा, ऐसा नहीं कि वो जल जाए और आप मटन मैरिनेट करते रह जाए, नहीं। तो प्याज को भी देखते रहेंगे और एक तरफ हम मटन को भी मैरिनेट करेंगे। तो चलिए चलती हूँ मैं आपको लेकर मटन के पास और मटन को मैरिनेट करते हैं। हल्दी, नमक, मिर्च, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और यहाँ पर डालूँगी नमक, बहुत ही सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। और इसके बाद आप इसको चाहो तो रात भर भी रख सकते हो, लेकिन अभी नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें अभी मैंने दही ले डाला है तो थोड़ा सा हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने डाला बस 2 छोटे से स्पून दही और फिर इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल क्विक से बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने सब कुछ इकट्ठे डाल दिया है, कोई अलग से आपको प्याज फ्राई नहीं करना, कोई अलग से झमेला नहीं है आपको कि मटन भुनना है या फिर मटन को आपको फ्राई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि ढाबे में तो वैसे ही टाइम नहीं होता ना उन लोगों के पास, वो फटाफट भुनते थोड़ी ना, वो तो फटाफट कुकर में चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो हम ढाबा जैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर प्याज कुछ अलग से फ्राई करनी है, बहुत ही ईजी सी रेसिपी, और ईजी जितनी है उतनी ज़्यादा डिलीशियस भी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जैसे मैं बना रही हूँ। मटन बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गया है, और इसको आप चाहो तो रात भर भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग रात भर क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल बना रहे हैं। ढाबा में थोड़ी ना फ्रिज होता है जो वो लोग रखते होंगे, ढाबा में तो इंस्टेंट बनाते हैं वो लोग, तो हम लोग भी इंस्टेंट बनाएंगे। तो बस इसको मैरिनेट कर दिया है, और अभी देखते हैं हम लोग प्याज का क्या हाल है। तो हाँ जी, हमारे जो प्याज हैं वो हो रहे हैं, अभी फ्राई होने और बचे हैं। मुझे इसमें तेल थोड़ा कम लग रहा है तो मैं तेल और डालूंगी, क्योंकि भाई गोश्त बन रहा है, जब तक तेल उसमें अच्छे से नहीं पड़ेगा तो क्या मज़ा आएगा, है ना। तो थोड़ा सा खुल के तेल डालिए। आप लोग बोलोगे कि आपने इसमें धनिया पाउडर, मीट मसाला, चिकन मसाला, ये तो कुछ भी डाला ही नहीं मैरिनेशन में। तो धनिया पाउडर हम इसमें इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मटन को नहीं भुनना है, हमको मटन को सीधा कुकर में प्रेशराइज कर देना है। ठीक है, हम अभी क्या भून रहे हैं, हम भून रहे हैं प्याज। तो जब प्याज हमारा 90% कुक हो जाएगा, यानी लाइट ब्राउन ब्राउनिश में आने लगेगा टोन में, तब हम वहाँ पे डालेंगे अपना ठोक के धनिया पाउडर, और फिर उसको जब तक 100% प्याज नहीं भुन जाता उसको भुनेंगे। ठीक है, हम लोग ने मैरिनेशन में धनिया पाउडर नहीं डाला है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को मटन को नहीं भुनना है, हम भुन रहे हैं प्याज को, तो प्याज में हम धनिया पाउडर डालेंगे। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने लिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको मैं कूटूंगी, कूट के मैं उस प्याज में डालूंगी। ये इतने ऐसे प्याज हो गए हैं हल्के से ब्राउन, तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल दूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहो तो पेस्ट, चाहो तो कुटा हुआ, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। बस इसको भी हम इसके साथ भून लेंगे अच्छे से, और जब ये 80% 90% प्याज कुक हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपना धनिया पाउडर अच्छे से भर के। तो अब इसको हम लोग अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से भून गया है, तो अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे धनिया पाउडर, एक दो, तो इसको हम लोग अच्छे से भूनेंगे। हम लोग डालेंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। तो ये हमने अच्छे से इसमें डाल दिया। ठीक है, प्याज के साथ अच्छे से, ये गया इसमें। अब जो है वो मैं तैयार करने वाली हूँ इसका मसाला, जो ढाबा स्टाइल का मेन मसाला होता है, जो इसकी मोनोपोली है इस रेसिपी की। तो अभी उसके लिए मैं क्या क्या ले रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन चॉप करके, और मैंने यहाँ पर लिया है 1 बिग प्याज। ठीक है, उसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं डालूँगी पैन में तेल, ये समझो कि तड़का है ऊपर से, जैसे दाल वगैरह में ढाबे में कैसे तड़का डालते हैं, तो ये समझिए कि तड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तेल डालूंगी, तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ज़ीरा। ढाबे में क्या होता है ना, ढाबे में ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं, बल्क में चीज़ें बना लेते हैं, जैसे दाल है या कोई मटन करी है या कोई भी करी है, कोई भी डिश है, वो लोग क्या करते हैं उसको पूरा बल्क में बनाते हैं, और एंड में जब उनको ऑर्डर मिलता है ना तो वो लोग क्या करते हैं उसमें तड़का डालते हैं। तो यस, वो तड़का जो होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उसके लिए वो माना जाता है ढाबा स्टाइल। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने गोश्त बन गया हमारा रेडी है, अब ऊपर से हम लोग इसमें डालने वाले हैं तड़का, ये एक तरह का तड़का ही है, ये एक तरह का मसाला है। तो ठीक है, तो अब हम लोग वो तैयार करते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अनियन।
अनियन से पहले मैं इसके साथ ही ये डाल दूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च ताकि जीरे के साथ ही तेल में अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए। कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। मैं डालूंगी इसमें प्याज और इसको अच्छे से हम लोग कुक कर लेंगे। ये देखिए जो गोश्त गल के तैयार हुआ है कितना अच्छा इसका कलर आया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसके जो लिक्विड फॉर्म है ना ये इसका इस तरह का थिकनेस है इसकी। देखिए इसका जो प्याज है इसको हम लोग अच्छे से मैश कर लेंगे अभी, और ये इतना पतला है ठीक है। तो इसको थोड़ी देर हम और चलाएंगे, वो मसाला तैयार हो रहा है, मसाला डाल के हम इसको और उबालेंगे। प्याज है ना उसको हम लोग चला चला के तोड़ लेंगे, क्योंकि अभी गर्म गर्म है तो प्याज क्या होगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस पर। हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और भी कुछ मसाले डालूँगी। इसमें मैं डालने वाली हूँ धनिया पाउडर अच्छे से भर के, और हल्का सा नमक और लाल मिर्च पाउडर, बस ये डाल के इसको अच्छे से हम लोग पका लेंगे मसाले को। ये डाला है इसमें मैंने धनिया पाउडर, और मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च और डालेंगे हल्का सा नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। ये जो हमारा मसाला है बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसको हम लोग डाल देंगे गोश्त के अंदर, अपने मीट की करी के अंदर ठीक है। मैं डाल को आपको डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये तड़का इसके अंदर गया, इससे क्या होगा ना इसको मैंने सिम करके बॉईल करने के लिए रख दिया है ठीक है। तो इसको मैं एटलीस्ट 10 मिनट के लिए सिम पर बॉईल करूँगी बिना कुकर की सीटी लगाए, सिर्फ ढककर। डिश जो है ना आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। जो घर में आपके मसाले अवेलेबल रहते हैं बस उससे ही है, और ढाबा स्टाइल है तो इसलिए ऊपर से इसमें तड़का डाला है। कुक हो चुका है, अब जो मैं है तैयार कर अब जो मैं है